अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? आवाज आ रही? अच्छा, किसी किसी असाइनमेंट में कोई इशू? ओके, अब ठीक है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि हमें असाइनमेंट की बहुत ठीक से समझ नहीं आई, तो काइंडली प्लीज दोबारा लेक्चर करवा दें। तो मैं बताता हूँ फटाफट, लेकिन आज मैंने करवाना था एक्चुअली वो पोजीशनिंग मेन कॉन्सेप्ट आपका 2 से 3 दिन लगने हैं वो क्लियर होने में, उस पर जरा आपने ध्यान देना है ज्यादा। मैंने आपसे बोला था आपकी असाइनमेंट जो है वो जो भी आपने इमेजेस बनाई है यहाँ पे मेरे पास ओपन है यहाँ पे, ये इसमें क्या इस पे क्लिक करने पे इमेज ओपन हो जाए, ठीक है? तो वो काम कैसे करना था? सिर्फ सिंपल सा काम, कोडिंग में देखो, अगर ये मेरे पास HTML है, ठीक है, तो ये सारे इमेज बॉक्स यहाँ तक मैं डिलीट करता हूँ इतने, और अब मेरे पास सिर्फ ये एक बॉक्स रहेगा, ठीक है? इसके अंदर मैंने बोला था आपने सिर्फ क्या करना है, एंकर टैग लेना है, और एंकर टैग हम ले लेते हैं। Ctrl X, यहाँ पे एंकर टैग, HRefs अभी खाली छोड़ रहा हूँ, और इमेज बस इतना सा काम था। आपने क्या किया हुआ था, आपने ये जो क्लोजिंग है आपने किया हुआ था यहाँ पे क्लोज होके, गलत है, ऐसा नहीं है। जो चीज पहले ओपन हो रही है वही पहले क्लोज होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब इसको यहाँ पे नीचे या कहीं पे और जाकर क्लोज कर दो। तो ये ओपन, ये क्लोज, उसके बाद ये इस तरह आपका फॉर्मेट बना। और HRefs के अंदर वही लिंक लगाना था जो कि सोर्स के अंदर आपने इमेज को दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज सेम। अब अगर इसको देखो अपने ब्राउजर में, लुक एट दिस, अभी मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो देखो कर्सर है जो यहाँ पे माउस का कर्सर है और यहाँ पे हैंड का कर्सर है, ठीक हो गया? इस पर क्लिक करने से इमेज ओपन हो रही है, ठीक है? लेकिन मैंने ये बोला था कि इमेज जो है आपकी नई टैब के अंदर ओपन होनी चाहिए, ठीक हो गया? नई टैब के अंदर। तो आपने गूगल किया या नहीं किया आपको पता चला या नहीं चला, तो मैं आपको बता दूं, एंकर टैग की एक एट्रीब्यूट है। क्या एट्रीब्यूट है कि यहाँ पे पता नहीं, अभी मेरे ब्रेन से निकल गया फौरन, तो आपके सामने ही मैं गूगल करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए क्या करते हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखते हैं हाउ टू ओपन
लिंक इन न्यू टैब इन HTML, ठीक है, तो ये सर्च करते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास, सॉरी हाँ याद आ गया, टारगेट ब्लैंक, ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं वापिस, कौन सा है हमारे पास एट्रीब्यूट, टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, दैट्स इट। इसका मतलब है, अब जब भी मैं क्लिक करूंगा मेरी जो चीज है वो एक नई फाइल, एक नई टैब के अंदर ओपन होगी। तो लेट्स दिस, मेरे पास मेरी ये डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे और फोटो मेरी एक नई टैब के अंदर ओपन होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना था, ये जो बॉक्स है इसको ऐसे कॉपी करना था और पेस्ट 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 एंड पेस्ट, दैट्स इट, इस तरह। यहाँ पे एक और बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये वाला, इसको सेव कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते यहाँ तक। किसी को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिए। सब क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला रह गया, वो क्या रह गया, मैंने जो मेन कंटेनर लिया था वो चूंकि मैंने इन सबको कर दिया फ्लोट, फ्लोटिंग की वजह से देखो ये सारी चीजें बाहर जा रही हैं कंटेनर से। कंटेनर कौन सा, ये ग्रे, जो ये वाला ग्रे कलर वाला, वो उससे बाहर जा रही है। यहाँ पे ये मेरा रहा कंटेनर, रैपर है, सॉरी गैलरी सेक्शन जो है गैलरी, उसको मैंने कलर दिया था यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मैं ब्लू टाइप करूं, आपको नजर आएगा, देखो ये सारी इमेजेस उससे बाहर जा रही हैं, ठीक है। इसकी वजह यह है क्योंकि हमने इसको कर दिया हुआ है फ्लॉट, तो ये अपनी एक्चुअल जो है हाइट वो नहीं ले पाएगा। ये जो इतनी हाइट जो ये ले रहा है ब्लू कलर वाला बॉक्स, वो ये H1 की वजह से ले रहा है, वरना वो भी नहीं इसने लेनी, ठीक है। तो इस चीज को कवर हम कैसे कर सकते हैं, इसको कवर एक ही तरीका है, वो क्या है, इसको आप हाइट दो, तो यहाँ पे आप इसको स्टैटिक हाइट दोगे जो कि होगी कुछ 800 पिक्सल के करीब, इस तरह। अब ये जो आपका पोर्शन है ये बिल्कुल ठीक बना है, ठीक तैयार हुआ है, इसको आप कर दो आप ब्लू को वापिस F7 Like this, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये वाली इमेज ओपन होगी, इस पे क्लिक करोगे ये वाली इमेज ओपन होगी, इस तरह। अभी किसी को कोई इशू रह गया तो अभी पूछ ले, फिर आगे मैंने पोजीशनिंग स्टार्ट करवानी है। रिपीट कर दे सर। जी अहमद साहब, क्लियर है आपको? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ रिपीट कर दे, अभी ज्वाइन किया क्लास। ओके, अब हमने करनी है पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशन क्या होती है, जस्ट लाइक आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, ठीक है, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से अगर किसी चीज को मूव करवाना है तो क्या यूज होगी, पोजीशनिंग, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन आ रही है, ठीक है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पोजीशनिंग।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हम मार्जिन पैडिंग से भी तो चीजों को मूव कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मार्जिन पैडिंग जो है कहाँ से रिपीट करना है मुझे बता दें, मैं फिर वहां से रिपीट कर देता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन की है, तो ये जब इमेज को क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होता है, वो वाला रिपीट कर दें। अहमद कहाँ से रिपीट करना है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। इमेज इमेज वाला रिपीट करना है। अच्छा खैर, स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशनिंग। सर अब आवाज आ रही है? अच्छा, पोजीशनिंग मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोजीशनिंग जो होती है ना, वो आपको पता है कि हम जितने टैग्स लेते जाएंगे एक के नीचे एक आता जाएगा, या हमने अगर फ्लोटिंग यूज किया तो एक के नीचे आती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमें जरूरत महसूस हुई है क्या कि हमने एक टैग के ऊपर दूसरा टैग जो है ना ओवरले करवाना है, उसके ऊपर ओवरलैप करवाना है, तो वो किस तरह करवाएंगे? वहां पे भी हमारी पोजीशनिंग यूज होती है, वहां पे हम मार्जिन नहीं काट सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मतलब बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे दो एच वन है मेरे पास, एक एच वन है, ठीक है, यहाँ पे और एक और ये एच वन है, ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड के नाम से। अब मैं मार्जिन के साथ ये नहीं कर सकता कि हेलो को वर्ल्ड के ऊपर ला के रख सकूं या वर्ल्ड को हेलो के ऊपर, ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या यूज होती है? पोजिशनिंग, ठीक है। चार किस्म की पोजीशन है हमारे पास सीएसएस के अंदर। पोजीशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है और स्टिकी है। क्लियर हो गया? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी चार किस्म की चीजें हैं, ठीक है। रिलेटिव बहुत आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी जरा मुश्किल है, ये आपको समझना होगा। क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे देखो, एक डिव क्लास पेरेंट के नाम से क्लास बना रहा हूँ और उसके अंदर दो चाइल्ड बना लेता हूँ, डिव क्लास चाइल्ड वन और डिव क्लास डिव क्लास चाइल्ड टू। ये जी,
ठीक है, अब यहाँ पे अपनी सी एस एस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे लिंक करते जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे आ गए। स्टैटिक मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। अच्छा अब डॉट पेरेंट का एक वो स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको बैकग्राउंड कुछ ब्लू कर दिस, ये आपका बन गया। ठीक है, अब अगर दोनों चाइल्ड जो हैं उसको चाइल्ड वन को अगर करूं चाइल्ड वन इस तरह, ठीक है सेम स्टाइलिंग कॉपी करते हैं ये वाली और यहाँ पे रखते हैं ऐसे, इसकी थोड़ी सी 200 कर देते हैं और ये भी 200, और कलर जो है आपका यहाँ से कुछ इस तरह कर देते हैं ये वाला, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड टू की है, अभी चाइल्ड वन देख लें तो बाय डिफॉल्ट क्या, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इतना का एक बॉक्स बनेगा इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह अगर चाइल्ड टू में अगर देखूं मेरा कहाँ पे आता है बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या होगा, कलर चेंज कर देते हैं जरा सा कुछ इस तरह और चेक करते हैं या ठीक हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ तक तो सिंपल था, यहाँ तक जो पोजीशनिंग हमारी चल रही है उस पोजीशन को हम अपने इस जुबान में बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन, जो कि चल रही है। अगर तो चाइल्ड हैं तो पेरेंट के अंदर स्टार्ट होंगे, जहाँ से पेरेंट स्टार्ट हो रहा है वहां से, अगर पेरेंट नहीं है बॉडी है तो फिर बॉडी के स्टार्ट से स्टार्ट होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन क्या हो अगर हमें कहीं पे लेयरिंग करने की जरूरत पे, लेयरिंग का मतलब है कि एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट अगर हमने लेके आना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे लेके आएंगे, या अगर हमने अपनी अपनी चीजों को मूव करवाना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें चीज चाहिए होती है स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, लेफ्ट राइट से भी सेंटर में और टॉप बॉटम से भी सेंटर में चाहिए होती है, तो इस चीज को भी कवर करने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशनिंग, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट या मार्जिन टॉप आपका कभी भी जो है ना बिल्कुल सेंटर में नहीं ला सकता, इस तरह से जिस तरह से पोजीशन ला सकती है, ठीक है। तो जरा मुश्किल कंसेप्ट आज सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट करवाऊंगा, बल्कि सारा ओवरव्यू दूंगा, फिर कल की क्लास में जो लाइव एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं पोजीशनिंग, इसका इस्तेमाल क्या है और क्यों ज़रूरी है, वो मैं कल आपको कल सारी क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि होता क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने किसी चीज़ को भी कोई भी वो नहीं दी पोजीशनिंग, ठीक है। एक और मैं चीज़ करता हूँ यहाँ पे, कुछ ब्रेक्स के टैग्स लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रेक होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा 3-4 लगा देता हूँ ताकि मेरा बॉक्स जो है वो नीचे चला जाए यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर देखो तो अब ये इतनी स्पेस आ गई, ठीक है। अच्छा अब करते हैं पोजीशन, आज यहाँ पे चाइल्ड वन को, अब मैं चाइल्ड वन को मूव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मूव कैसे होगी, यहाँ पे पहले मैं आपसे बताऊंगा पोजीशन, ठीक है। चार किस्म के मैंने बताया थे, देखो एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट चल रही है वो, और स्टिकी, ठीक है। टोटल 5 है, ठीक हो गया। तो अभी हमने करनी है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है हमेशा कि अपनी जो है ना साइड से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग जिसे बोलते हैं, चीजों को देखते हुए वो अपनी पोजीशन जो है ना चेंज करता है, ठीक है। अगर तो मतलब चाइल्ड है तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से चेंज होगा, ना कि वो पेरेंट की मतलब बाहर जाएगा पेरेंट से, ना कुछ इस तरह का सीन कोई नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट के हिसाब से चलेगा रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव दे दी, 4 साइडों से पोजीशन दे सकते हो, आपको पता है टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, तो यहाँ से आप जिस तरह मर्जी देखो। मैं अभी करता हूँ टॉप, टॉप से 30 पिक्सल अगर मूव करता हूँ तो चेक कीजिएगा जिसको दे रहा हूँ मैं चाइल्ड वन को, तो चाइल्ड वन लुक एट दिस, ठीक है। क्या हुआ कि जो ब्लू वाला है चाइल्ड वन 20 पिक्सल टॉप से
नीचे आ गया। अब इसी तरह लेफ्ट से आप देख सकते हो थोड़ी 30 पिक्सल है, लेफ्ट से 30 पिक्सल लुक कर दे उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको जिस तरह मर्जी इसको इसके अंदर मूव करना है, पोजीशनिंग के जरिए आप मूव कर सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी वजह से कुछ चीजें डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है, रिलेटिव ने अपनी साइड से चीजें देखनी होती हैं, उस हिसाब से चलना होता है। अब क्या आता है यहाँ पे, यह सिर्फ रिलेटिव पोजीशन मैंने अभी आपको बताया। अब मैं करने वाला हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? अच्छा, पेरेंट और चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड वो है, ये रिलेटिव वाले चाइल्ड वो हैं जो अपनी पेरेंट की बात मानते हैं। ठीक है, अपनी पेरेंट की बात मानते हैं। एब्सोल्यूट चाइल्ड वो होगा जिसको भी हम एब्सोल्यूट पोजीशन लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पेरेंट की बात नहीं मान रहा। ठीक है, अपनी पेरेंट की बात नहीं मानेगा, वो मानेगा अपनी बॉडी की बात, अपना पेरेंट बॉडी को समझेगा और बॉडी के हिसाब से मूव होगा। अभी यहाँ पे गौर कीजिएगा, सिर्फ रिलेटिव की जगह मैं एब्सोल्यूट लिखता हूँ अगर। ठीक है, तो ये देखो इसका पेरेंट ये है, इसको स्टार्ट यहाँ से होना है। इसका जो टॉप जीरो है, लेफ्ट जीरो है, वो क्या है, ये टॉप जीरो ये है, लेफ्ट जीरो ये है। ठीक है, लेकिन मैंने एब्सोल्यूट किया है, तो चेक कीजिएगा, इसका टॉप जीरो बॉडी बन गया, लेफ्ट जीरो भी बॉडी, मतलब इसने उसको बॉडी को अपना पेरेंट तस्वर कर लिया, समझ लिया, ये सीधा ही बाहर निकल गया। ये समझ लें कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कि अपने पेरेंट की बात नहीं मानता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेंगे हम पेरेंट को, ये जो पेरेंट है इसको पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। जैसे इसको पोजीशन रिलेटिव करेंगे ना, जो इसके अंदर वाले एब्सोल्यूट है वो खुद ब खुद इसके हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लुक एट दिस, दिस ठीक हो गया, अब अंदर आ गया पेरेंट के। ठीक है, कंट्रोल हो गया, लेकिन क्या हुआ, पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से जब भी हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देनी है, इसने अपनी जो है एक्चुअल पोजीशन, जो जगह होती है, जो इसने जगह कवर की होती है, वो छोड़ देता है। देखो, पिंक वाला चाइल्ड 2 था, ब्लू के नीचे था, वो ब्लू के पीछे चला गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, साथ साथ फिर आगे जाके मामला खराब हो जाएगा आपके लिए। ओके हो गया, ठीक हो गया। मतलब अभी एक ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये वाली स्टेटमेंट, के जब भी आपने किसी चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, उसके पेरेंट को रिलेटिव करना ही करना है, पोजीशन रिलेटिव और उसके अंदर चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, अब इस एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसने टॉप 30 पिक्सल, लेफ्ट 30 पिक्सल अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट इसने रहना है, इसने चेंज होना ही नहीं। क्लियर हो गया, इसने कभी भी चेंज नहीं होना, इसने 30 पिक्सल यहाँ से रहना 30 पिक्सल, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको एक तरह से फिक्स्ड वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50 पिक्सल, लेफ्ट 50 पिक्सल, ठीक है, आप कर सकते हो, ये उसके ऊपर आ गया। ठीक है, और अगर मैं, अब क्या होता था यहाँ पे, आपको चीज बताऊं, यहाँ पे आप फ्लॉट, अगर आपने राइट पे कोई चीज लेके जानी थी, फ्लॉट राइट करते थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आपको सिर्फ लिखना है राइट जीरो। ठीक है, मतलब राइट से जीरो, ये आपका राइट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने बॉटम पे लेके जाना, तो आप लिखोगे बॉटम जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बॉटम पे चला जाएगा, इस तरह। ये चीज है,
ये भी एब्सोल्यूट है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है एब्सोल्यूट का, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं इसके साथ एब्सोल्यूट यूज करके। आपके इमेज के ऊपर जितनी भी ओवरलेज हैं, आपकी एनिमेशन जिस पे आती हैं, और अगर आप शॉपिंग वाली वेबसाइट्स पे जाओ प्रोडक्ट के ऊपर होवर करने पे एक उसका ऐड टू कार्ट का बटन और वो शो होता है। सारी चीजें आपकी जो इस्तेमाल है वो एब्सोल्यूट करता है, और पेरेंट उसका हमेशा रिलेटिव रहता है। अगर रिलेटिव नहीं है तो आपका मतलब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रिलेटिव नहीं है तो अपना पेरेंट बॉडी को मानेगा, या इस पेरेंट का भी अगर कोई ऊपर पेरेंट है जिसके पास रिलेटिव पोजीशन है उसको मान लेगा फिर अपना पेरेंट, उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। ये चीज है, ठीक है। अब ये होगी एब्सोल्यूट और क्या बोलते हैं रिलेटिव। अब आ जाए फिक्स पे। फिक्स का मतलब है वो बच्चा जो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, उसने अपने पेरेंट की बात ही नहीं मानी, उसका पेरेंट एक ही है वो है बॉडी। अब वेबसाइट में जहां पे भी मतलब नीचे जाके ऊपर या जहां पे भी दरमियान में भी आपने अगर एक एलिमेंट लिया, एक बॉक्स लिया या कुछ भी आपने बनाया, उसको कर दी पोजिशन फिक्स, उसका मतलब है कि उसने वहीं पे फिक्स्ड हो जाना है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक अब ले लेता हूँ नीचे यहाँ पे, ठीक है, डिव क्लास फिक्स, और इसकी स्टाइलिंग डॉट फिक्स, एक सेकंड जरा। ठीक है, वेट से हाइट दे लो, ठीक है, 300 पिक्सल हाइट भी कुछ 300 पिक्सल, और यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, और कुछ इस तरह से पोजीशन हमने करनी है फिक्स्ड। अभी मैंने पोजीशन दी नहीं, सिर्फ कॉल किया कि पोजीशन फिक्स्ड है, टॉप लेफ्ट से कुछ भी नहीं दिया। देखिएगा अभी क्या बनता है हमारे पास, कुछ भी नहीं। 300 बैकग्राउंड क्लास फिक्स। अच्छा अब क्या हुआ, अब जो पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे बॉक्स आपका आ चुका है, वो यकीनन ये जो आपका ब्राउन वाला है उसके पीछे है, ठीक है। जब भी आपने पोजीशन फिक्स यूज करनी है ना, आपको हमेशा एक चीज का मसला आएगा, वो है कि कौन सी चीज ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो है क्या। अब यहाँ पे अगर गौर से देखो, पहले मैंने सबसे लिया है पेरेंट, फिर लिया चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री। लेयरिंग क्या होती है, एक लेयर तय को बोलते हैं, एक के ऊपर एक चीज, फिर एक के ऊपर एक चीज। तो अगर हम गौर से देखें तो पहली ये चीज है सबसे नीचे ये, फिर उसके ऊपर उसके दो चाइल्ड है, फिर उसके साथ जो है हमने पोजिशन फिक्स का लिया एक बॉक्स, ठीक है, उसकी लेयरिंग जो है इनसे पीछे चली गई है, इस वजह से उसके पीछे आयो। तो आप क्या यूज करते हो, जब भी पोजीशन फिक्स यूज करो आपने करना है एक चीज, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स आपकी ये चीज डिफाइन करता है कि कौन सी चीज स्क्रीन के सबसे ऊपर हो, कौन सी सबसे पीछे हो, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है, ठीक है, और मैक्सिमम आप जितनी ज्यादा दोगे उतना आपका ये ऊपर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको देते हैं टॉप 0 पिक्सल, इसका मतलब है स्क्रीन से 0 पिक्सल, ठीक है। अब जेड इंडेक्स देखो, सबसे नीचे क्या है मेरे पास, ये, ठीक है, और ये वाली जो सारी चीजें हैं इसके पीछे हैं। अब अगर मैं जेड इंडेक्स को रिमूव करता हूँ यहाँ से, या इसकी वैल्यू जो है वो मैं माइनस में भी दे सकते हो आप इसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस वन अगर करता हूँ तो चेक कीजिएगा, यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जैसे ये ऊपर आ रहा है अब ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इश्यूज आपको आएंगे, क्योंकि कहाँ पे आते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी बता दूं, नेवबार, कल हमने नेवबार बनाई थी नेविगेशन।
अक्सर वेबसाइट्स के अंदर जो नेविगेशन होती है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फिक्स्ड होती है, वो नेविगेशन फिक्स और बाकी का कंटेंट जो नीचे से आया वो उसके नीचे से गुजरता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अक्सर इशू आ जाता है कि कंटेंट जैसे यहाँ पे अभी इसके ऊपर से गुजर है तब वहां पे भी उसके ऊपर से गुजरेगा। तो अब हम हल कैसे करते हैं, जेनडिडेक्स दे देते हैं, मैक्सिमम जितना हम दे सकते हैं 999 जितना हम दे सकते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। इसको आप अगर आप टॉप से कुछ करो 5500 पिक्सल जितना भी आप करना चाहो ये आपका टॉप से मूव करेगा, इसी तरह लेफ्ट से मूव करेगा, इसी तरह राइट से मूव करेगा। ये होगी पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स क्या है कि जहां पे आपने इसको फिक्स कर दिया वहां पे फिक्स है, आप इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी इसको मूव नहीं कर सकते, ये अब आपकी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्क्रीन इसने चलना, बाकी जो एब्सोल्यूट है वो अपने अकॉर्डिंग टू पेरेंट चलता है, पेरेंट को रिलेटिव करने से। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, काफी इश्यूज आएंगे आपको, तो अभी जो कंफ्यूजन पैदा हो साथ साथ क्लियर कीजिएगा। अब लास्ट पे आगे स्टिकी, जस्ट लाइक फिक्स्ड सेम है, लेकिन क्या है कि जब तक वो अपनी पोजीशन को नहीं पहुंचती तब तक वो फिक्स्ड नहीं होती। मिसाल के तौर पे यही इसी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स की जगह स्टिकी, ठीक है, और टॉप 0 कर देता हूँ यहाँ पे 0 पिक्सल, पोजीशन स्टिकी एट इंडेक्स 999 और ये सारा कुछ। अब यहाँ पे चेक करने के लिए मुझे कुछ नीचे कंटेंट लिखना पड़ेगा काफी ज्यादा, तो यहाँ पे भी मैं ब्रेक के टैग्स लगाता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ। लुक एट दिस पोजीशन स्टिकी। अब पोजीशन स्टिकी ने क्या किया, अब टॉप 0 फिक्स का टॉप 0 क्या होता है, जो कि स्क्रीन का टॉप 0 यहाँ से स्टार्ट है, जहां से स्क्रीन आपकी स्टार्ट हो रही है, जहां से आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये चीज, ठीक है। तो स्टिकी भी फिक्स है और उसको मैंने कहा टॉप 0। टॉप 0 का मतलब है कि जब वो टॉप 0 पे पहुंचेगी मतलब स्क्रीन के 0 पे पहुंचेगी तब जाके फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है कुछ स्क्रीन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ तकरीबन 1200 या 1400 पिक्सल नीचे है, 800 पिक्सल का तो हमारा ये बॉक्स है ये जो रेड वाला है, उसके बाद ये ऊपर वाली स्पेसिंग और फिर जाके इसकी पोजीशन यहाँ पे आती है। पोजीशन जैसे ही देखो ये 0 पे पहुंची और ये भाई फिक्स हो गए, बाकी बॉडी आप यहाँ अगर यहाँ पे देखो ये स्क्रॉल पे तो कभी स्क्रॉल काफी मूव हो रहा है। ये 4 किस्म की आपकी पोजिशनिंग है, इसको इस्तेमाल करने से आपके काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी काफी चीजें नई देखने को मिलेंगी, डिजाइन नया देखने को मिलेगा और काफी आपको मजा आएगा बनाने में। बस ये 4 हैं, इनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछना, अभी 5 मिनट बाकी। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने असाइनमेंट देनी है आज। स्टिकी, स्टिकी मैंने बोला स्टिकी वहां पे यूज होती है कि आपने कहीं किसी पोजीशन पे जाके जो है ना कंटेंट, लेट्स सपोज कि आपकी वेबसाइट का ये कंटेंट है सारा, लेट्स सपोज यहाँ पे H1 पैराग्राफ और नेविगेशन है, यहाँ पे आपकी ठीक है वो साइड बार और ये वो आर्टिकल वगैरह लिखे हुए, यहाँ पे एक ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसी सर्विस है कि जो आप चाहते हो कि जब वो स्क्रॉल यूजर ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आए और वो चीज जब आपके सामने है, सामने आके वो ना चिपक जाए मतलब फिक्स्ड हो जाए, तब आप यूज करते हो पोजीशन स्टिकी। अब मैंने क्या लगाया हुआ है कि ये जो येलो बॉक्स है, ठीक है, इसको स्टिकी किया हुआ है यहाँ पे, पोजीशन स्टिकी है और पोजीशन क्या दी है मैंने 0 पिक्सल, मतलब है इसका ये
कि जब ये वाला बॉक्स, ये वाला एलिमेंट जब जीरो पिक्सल पे पोजीशनिंग पे पहुंचेगा तब फिक्स्ड हो जाएगा, वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा, फिर ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर अभी अभी अगर आप देखो तो मैं इसके नीचे कुछ कंटेंट भी आपको लिख के दिखाता हूँ। ऐसे नहीं आप H1 हेलो और इसको दो चार बार रिपीट। लेट्स हैव अ लुक। अभी अगर आप देखो ये जो बॉक्स है मेरा जैसे ही जीरो पे पहुंचता है वो हो जाता है स्टिकी, फिक्स हो जाता है, और नीचे से देखो कंटेंट मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा आपका, जस्ट लाइक फिक्स्ड है। फिक्स का काम ये है कि जहां पे फिक्स कर दिया वहां पे फिक्स हो गया। स्टिकी का काम क्या है कि जहां पे आपने फिक्स करवाना है वो नीचे से मूव होके जब तक उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो फिक्स नहीं है, तब तक वो ऐसे ही है जैसे पोजीशन रिलेटिव है। ठीक है, जहां पे उसकी एक्चुअल पोजीशन बनती है वहीं पे तब तक रहेगा। जैसे ही आप टॉप जीरो पे जैसे ही मेरा पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये आपका स्टिकी हो रहा है। ठीक है, इसको टॉप जीरो की जगह आप और भी कुछ मतलब कर सकते हो। ठीक है, टॉप जीरो की जगह टॉप 20 पिक्सल भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखो रिफ्रेश करके तो ये देखो अंदर स्पेसिंग आ गई, टॉप से 20 पिक्सल पे आके फिक्स हो गया। इसके अलावा कोई चीज काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपका रह गया वो है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, बहुत मजे की चीज है, आप मार्जिन पैडिंग को भूल जाएंगे, हर चीज को भूल जाएंगे जब आप फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स है, उसके बाद मीडिया क्यूरीज है। ठीक है, और फिर तकरीबन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपका जो है ना प्रैक्टिस ही है, सिर्फ असाइनमेंट्स ही है जितनी आप बनाओ। सबको क्लियर है? ठीक है, मतलब मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ आज। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे करनी थी। देखो कोडिंग ऐसी चीज है जो किसी को याद नहीं रहती। ठीक है, अभी मैं भी भूल गया था आपके सामने। ठीक है, ये कोडिंग आपने क्या करना है, अच्छा कोडर अच्छा प्रोग्रामर कौन सा होता है? ठीक है, जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे ना, वो आपका ये नहीं देखेगा कि आपको कितनी कोडिंग आती है, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, हमेशा आप अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, लाहौर इस्लामाबाद कराची की, ये फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लाहौर में। ठीक है, क्या होता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ये चीज चेक करते हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, सिर्फ इतनी सी चीज आपने चेक होती है आपके, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, कि आया कि अगर आपको फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, आप उसको देखे मतलब हिम्मत नहीं हार जाओगे, अपना जो है होप नहीं लूज कर जाओगे, अगर आप ऐसे बंदे हो तो वो कभी भी आपको जॉब पे नहीं रखेगा। ठीक है, आपको बेशक कोडिंग नहीं भी आती, आप लाहौर चले जाओ, अगर आप पैशनेट हो आपके स्टार्टिंग पे 40 to 45,000 लग जाएगी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आजमा के देख लो। सिर्फ चाहिए क्या, आपका पैशन, आपके जो है ना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए बस, और उसका बेहतरीन हल है गूगल। जो सी भी प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे फेंको, देखो अप्लाई करो और सेट करो। तो ये चीज